हेलो स्टूडेंट्स वी हैव बीन कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज ऑफ लेसन वन ऑफ इंग्लिश सो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर सिक्स एंड सी द एक्सरसाइज नंबर सी थिंक एंड आंसर थिंक एंड आंसर येर इज़ क्वेश्चन नंबर वन प्लीज़ सी इन योर टेक्स्ट बुक द ऑथर एंड ग्रैंड फादर वी आर कईंड टू एनिमल्स डो यू एग्री गिव टू एग्जाम्पल्स फ्राम द स्टोरी यानी दादाजी और लेखक जो है इन एनिमल्स के बहुत शौकीन थे कि आप इस बात से एग्री हैं तो इसके लिए इस स्टोरी से दो एग्जाम्पल दीजिए चले बेटा लेट आज सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस द ऑथर एंड द ग्रैंड फादर वी आर काइंड टू एनिमल्स टू एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर एज बिलो फर्स्ट वन दे फाउंड वेन दे फाउंड द बेबी आउलेट्स ऑन द ग्राउंड इन दंदा दे पिक्ड देम अपड गेव देम फूड एंड वाटर जब उन्होंने जमीन पर पड़े हुए उन आउलेट्स को पाया तो उन्होंने उठा लिया और उसे भोजन पानी सब कुछ दिया था एक बात तो ये हो गई सेकेंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू कीप देम इंप्रीजेंट इम्प्रीजेंट मैंने बेटा उन्हें कैद करके रखना नहीं चाहते थे वो है सो दे रिलीज देम उन्होंने उन्हें मुक्त किया था बट इवन दिन इसके बावजूद क्या हुआ द मदर आउल रिटर्ड हर आउलेट्स टू देर हाउस जो मदर आउल थी ना वो अपने आउटलेट्स को दोबारा उनके घर में वापस कर गए किसलिए फॉर देर प्रोटेक्शन एंड लुक आफ्टर ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और उनकी देखभाल जो है इन लोगों के द्वारा अच्छी तरह से की जा सके सो देट सी रिटर्न वंस मोर ठीक है तो दिस थिंग देट इज देर नीमल्स दे लाइट चलो बेटा क्वेश्चन नंबर टू सी इन योर टेक्स्ट बुक द ऑथर सेज दैट द आउटलेट्स बिकेम रेगुलर मेम्बर्स ऑफ देयर हाउस होल्ड लेखक का कहना है कि वो आउलेट्स उनके घर के रेगुलर मेम्बर हो गए थे फैमिली मेम्बर हो गए थे वाट डू यू थिंक द ऑथर मीन्स बाई दिस स्टेटमेंट ऑथर के इस स्टेटमेंट से आपका क्या मतलब है गिफ्ट टू एग्जाम्पल्स फ्राम दोरी टू शो इट दिस चलो बेटा देखते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर एज बी लो हम पूरी सेंटेंस ना लिख करके बस इसको दे रहे हैं सुन लीजिए द मदर आउल रिटर्न हर आउलेट्स अगेन टू देयर हाउस एक बार इन्होंने जब रिलीज कर दिया इसके बावजूद भी जो है उस मदर आउल ने इनको वापस कर दिया किसने फॉर द प्रोटेक्शन एंड रेयरिंग उनकी पालन पोषण के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनके घर पे पुनः वापस कर दिया तो एक तरह से उनके फैमिली मेम्बर बन चुके थे उन जैसे उसे लगा कि हर आउटलेट्स मतलब इट सेम टू द मदर आउट द हर आउटलेट्स आर द फैमिली मेंबर जस्ट लाइक द फैमिली मेंबर्स ऑफ देयर ऑफ ग्रैंडफादर एंड ऑथर बिकॉज दे लुक आफ्टर वेरी वेल हर आउटलेट्स सो दैट सी डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर हाउस है फॉर only uh, the ऑनली दर्पज वॉच ऑफ़ द was the protection and प्रोटेक्शन of ऑफर owlets. उसका उद्देश्य था ताकि उसके बच्चों की सुरक्षा की जा सके और उनको पाला जा सके इसलिए उसने वापस किया समझ है ना तो ये एक तरह से उनके फैमिली मेम्बर हो गए थे और सेकेंड बात है ग्रैंड फादर यूज टू फिट डैम यूज टू फीट डैम बिटा यहाँ पे एफ डब्ल्यू डी ठीक है ना यूज टू फीट डैम वियरिंग ए पीटिकोच दादाजी उनको जो है एक पेटीकोट पहन के जो है खिलाया करते थे एंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आल्सो फेड यहाँ पे एफ ई डी है खिलाती थी यहाँ पे ठीक ना ग्रैंड मदर आल्सो फेड डेम स्पेक्टी और दादी जी उनको स्पेक्टिक खिलाती थी मोर एवर एट नाइट और इससे बड़ी बात क्या थी एट नाइट रात के समय क्या होता था द आउटलेट्स वे सेट फ्री उन आउटलेट्स को एकदम खुला छोड़ दिया जाता था इन द हाउस है सो दैट दे कैन मूव एनी वेर फ्रीली ताकि वो घर में फ्री होकर के कहीं पे भी उड़ सकें घूम सकें ठीक ना बट इन द डे टाइम ड्यूरिंग द डे दे वेर इंक्लीजेड इन द केस ओनली फॉर द सेफ्टी फ्रॉम द एनिमल बर्ड्स अरे वो सॉरी विल्ड बर्ड्स जंगली पक्षियों से नुकसानों उनको दिन में बंद रखा जाता था और रात के समय फ्री छोड़ दिया जाता था ठीक ना दिस थिंग्स दैट देर देयर फैमिली मेम्बर्स ठीक इसे बेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि किताब में क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद आपकी दो एक्सरसाइज और बची हैं उसे आप नेक्स्ट डे कर लीजिएगा दैट्स ऑल थैंक यू